जॉन लॉक, 1632 टू 1704 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसने क्या कहा था जी, ही सेड दैट ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसने भी एक्सपीरियंस की बात की कि हमारी नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आती है, इधर थ्रू द सेंसेस और थ्रू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अक्स को बोलते हैं, ठीक है, ऑन सेंसरी डाटा। हिज आइडियाज़ अबाउट एसोसिएशन वर ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ एरिस्टोटल्स, यानी इसके भी आइडियाज़ अरिस्टोटल से मुमासलत रखते हैं, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट आइडियाज़ आर ऑर्डिनेरीली टाइड टुगेदर, यानी कि आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ आमतौर पर मुंसलिक होते हैं, बाई नेचुरल कनेक्शंस, कुदरती ताल्लुक होता है उनका, ठीक है। एंड द क्लियरली एंड ही क्लियरली इम्प्लाइड दैट एसोसिएशनिस्टिक प्रिंसिपल्स आर यूजफुल प्राइमेरली फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल कनेक्शंस। अब यहाँ एबनॉर्मल कनेक्शंस प्राइमेरली यानी बुनियादी तौर पर जो बात हो रही है वो गैर मामूली जो कनेक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। एसोसिएशनिस्टिक प्रिंसिपल्स आर यूजफुल, ठीक है, प्राइमरीली फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल कनेक्शंस, गैर मामूली जो कनेक्शंस होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए बुनियादी तौर पर ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो एसोसिएशनिज्म के वो काम आते हैं या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जॉन लॉक ने उर्दू में क्या कहा कि असूल मुशाबहत यानी सिमिलैरिटी और असूल कर्ब की वजह से तलाजमात कायम होते हैं, तलाजमात यानी एसोसिएशनिज्म। उसने असूल मुशाबहत और असूल कर्ब की वजह से तलाजमात कायम होते हैं ये कहा था, इन सिंपल एंड ईजी वे अगर आप कहें उर्दू में तो, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी जॉर्ज बर्कले। जॉर्ज बर्कले ने क्या कहा था, 1685 से 1753 इसका टाइम पीरियड, स्ट्रेस्ड टैक्टाइल एंड कैनेस्थेटिक सेंसेशंस एंड देयर एसोसिएशन विद मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। हम चीज़ों को छूते हैं या हमारे उजलात जो हिस उजलाती हिस जो हमारी होती है, हम जब छूते हैं चीज़ों को, सेंसेशन लेते हैं, तो इनकी एसोसिएशन कायम होती है हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स के साथ, यानी पट्ठों की नकलो हरकत के साथ, और हम जब चीज़ें देखते हैं दूर की और नज़दीक की, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं सॉरी दूर की और नज़दीक की, तो इससे हम सीखते हैं और नॉलेज हमारी जो है वो बनती है और कॉम्प्लेक्स आइडियाज इससे बनते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन देन बिकेम डेप्थ, यानी कि डेप्थ के बारे में इसने जो है वो बेसिकली बताया है कि इसके ज़रिए से हमारी जो है वो डेप्थ की जो है बनती है सेंस एसोसिएशन। ये जो पेचीदा एसोसिएशन है ये जो बाद में डेप्थ बन जाती है, गहराई बन जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेविड ह्यूम, 1711 से 1776 तक इसका टाइम पीरियड है। मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मोर विविड यानी वाजिया इम्प्रेशंस यानी तासुरात जी। मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन यानी इम्तियाज, फ़र्क पैदा करना। मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मोर विविड इम्प्रेशंस एंड लेस विविड आइडियाज़, यानी इसने फ़र्क बताया कि ज़्यादा जो वाजिया या शोख तासुरात होते हैं और कम वाजिया और शोख आइडियाज़ जो होते हैं उनमें फ़र्क बयान किया इसने। ह्यूम रिड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट टू कॉन्टिग्यूटी, यानी कि पहले ये कहता था कि कॉज और इफ़ेक्ट है सब कुछ, फिर उसने इसको कम करके कहा कि नहीं जी कॉन्टिग्यूटी यानी हम आहंगी जो है वो ज़्यादा अहम है। ही कंक्लूडेड दैट कॉज एंड इफेक्ट वर नॉट टू बी फाउंड एग्जिस्टिंग इन थिंग्स ऑब्जर्व्ड, जिन चीज़ों का हम मुशाहिदा करते हैं उनमें कॉज और इफेक्ट जो है वो नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। बट ओनली इन द माइंड ऑफ ऑब्जर्वर, ये सिर्फ ऑब्जर्वर के दिमाग में मौजूद होती है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, इसने ये कहा था। डेविड ह्यूम ने इसका उर्दू में अगर मैं बताऊँ तो क्या है कि जिस सोच के बहाव की वजह से अशिया के दरमियान ताल्लुक कायम करते हैं, ठीक है, जब किसी सूरत हाल में यके बाद दीगर एहसास पैदा होते हैं तो तलाजुम कायम होता है, ठीक है, तलाजुम यानी एसोसिएशन कायम होती है। मसलन आग से जलने और
दर्द का ख्याल जबकि बर्फ़ से ठंडक और नमी का ख्याल आता है। ठीक है जी, इसने डिस्टिंक्शन बिटवीन की आइडियाज़ एंड इम्प्रेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेविड हार्टले, 1705 से 1757 है इसका टाइम पीरियड। ही डेवलप्ड हिज साइकोलॉजी अराउंड एसोसिएशनिज्म। ठीक है जी, हार्टले पोस्टुलेटेड वाइब्रेटरी एक्शंस विद इन द नर्वस सिस्टम कॉरिस्पॉन्डिंग टू आइडियाज़ एंड इमेजेस। अब इसने क्या कहा कि इसने वाइब्रेटरी एक्शंस जो होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, जो वाइब्रेशंस के थ्रू एक्शंस होते हैं, उसको इसने इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, और कहा कि मोर इंटेंस वाइब्रेशंस जो होती हैं, इसने कहा कि जो मोर इंटेंस वाइब्रेशंस वर सेंसेशंस एंड लेस इंटेंस वाइब्रेशंस वर आइडियाज़। ठीक है जी, जो लेस इंटेंस वाइब्रेशंस होती हैं वो आइडियाज़ होते हैं, और जो मोर इंटेंस वाइब्रेशंस होती हैं वो सेंसेशंस होती हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान इसने फ़र्क बताया। और कॉन्टिग्विटी वाज स्ट्रेस्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। उसने कहा कि कॉन्टिग्विटी हम आहंगी जो है वो लाजमियत का जो है वो असूल है। एंड द एसोसिएशनिस्टिक प्रिंसिपल्स वर यूज टू एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ विजुअल डेप्थ परसेप्शन। और इसने कहा कि जो विजुअल डेप्थ परसेप्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एसोसिएशनिस्टिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एज वेल एज डाइवर्स अदर फेनोमेना, इमोशनल प्लेजर एंड पेन। चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं थॉमस ब्राउन, 1778 से 1820 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, हिज लॉज ऑफ सजेशन, यानी सजेशन से मुराद एसोसिएशन के उसने जो लॉज दिए वो वर रिजेम्बलेंस, कंट्रास्ट एंड नियरनेस। ठीक है जी, इन स्पेस, नियरनेस इन स्पेस एंड टाइम, ये पूरा है। जस्ट लाइक अरिस्टोटल्स ही एडेड अ सेट ऑफ सेकेंडरी लॉज। इसने इसमें मज़ीद क्या ऐड किया, अपनी थ्योरी में ऐड किया, सेट ऑफ सेकेंडरी लॉज इसने दिए इसमें। ठीक है, उसमें आता है जी ड्यूरेशन, लाइवलीनेस, फ्रीक्वेंसी एंड रेसेंसी। रेसेंसी का क्या मतलब है जी? रेसेंसी का मतलब है नयापन। ठीक है, दैट स्ट्रेंथन सजेशंस, यानी एसोसिएशन को जो पावर देते हैं, स्ट्रेंथन देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस ऑफ माइंड और टेम्परामेंट, डिफरिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ द मोमेंट वर कंसिडर्ड एज वेल एज द डिग्री ऑफ को एग्जिस्टेंस विद अदर एसोसिएशंस, स्टेट ऑफ हेल्थ और एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड प्रेयर हॉबीज वर आल्सो इंक्लूडेड, सॉरी प्रेयर हैबिट्स वर आल्सो इंक्लूडेड। फाइनली ही अंडरस्टूड एसोसिएशन एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ एन एक्टिव होलिस्टिक माइंड। ठीक है जी, फाइनली इसने क्या कहा कि ही अंडरस्टूड, इसने अंडरस्टूड किया कि एसोसिएशन जो है एक एक्टिव प्रोसेस है ऑफ एन एक्टिव होलिस्टिक माइंड की। ठीक है जी, होलिस्टिक का क्या मतलब है? मजमुई, कुली, कुली जहन जिसको कहेंगे, मजमुई जहन। ठीक है जी, जेम्स मिल है नेक्स्ट आता, 1773 to 1836। ठीक है जी, ही हेल्ड दैट द लॉ ऑफ एसोसिएशन कुड अकाउंट फॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ये है जेम्स मिल का। कुड अकाउंट फॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस। ठीक है जी, मिल सेड दैट सिंपल आइडियाज कॉल्स के टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स वंस। ठीक है, ये वही बात इन्होंने भी किया, विच माइट थ्रू लॉन्ग यूजेज बिकम सो कॉल्सिकेटेड दैट दे अपीयर एज अ सिंगल आइडिया। वंस द कॉम्प्लेक्स आइडिया अपीयर्ड इन दिस वे, इट माइट इन टर्न कॉल्सिक विद अदर आइडियाज टू फॉर्म इवन मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ये वही बात दोबारा सुनने की। ठीक है जी, जेम्स मिल का उर्दू में हम, जेम्स मिल को उर्दू में अगर पढ़ना है तो हम ये आएंगे। इसने जेम्स मिल का है कि इसने मुतालिया के लिए बातनी और खारजी दोनों तरीकों को अपने तजुर्बात में शामिल किया और कहा कि कुर्बत से मुख्तलिफ महीजात के दरमियान ताल्लुक पैदा होता है जिसके मुताबिक सीखने वाला इनके दरमियान तलाजम पैदा कर लेता है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता तलाजमी अमल मेकान की हो जाता है, यानी मैकेनिकल हो जाता है। ये जो बीच में मैंने उर्दू आपको ऐड करके दी है, ये मैंने ख़ुद से नहीं लिखी है,
ये मैडम रखशंदा शनाज की बुक है, ठीक है, उसके ऊपर से जो मुझे थोड़ा बहुत मिला था, जिस जिस के बारे में, वो मैंने उर्दू में भी साथ ऐड कर लिया था ताकि ज़्यादा आसानी हो समझने में, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल को, 1806 से 1873 है इनका। ही बिलीव्ड दैट आइडियाज़ लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी व्हेन दे फ्यूज इनटू मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बाय एसोसिएशन, ठीक है जी। इसने कहा था कि जी आइडियाज़ जो हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं, गुमा देते हैं, खो देते हैं, जब वो मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में एसोसिएशन के थ्रू मिल जाते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स नोशन, यानी कि जेम्स मिल जो हैं वो जॉन स्टुअर्ट मिल के फादर थे, जिनको हमने इनसे पहले पढ़ा, ठीक है। ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स नोशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइडियाज़ इन एसोसिएशन, बट बिलीव्ड, लेकिन अपने बाप से बिलीव तो करते थे उनके आइडिया पर, लेकिन ही बिलीव्ड दैट वेरी रैपिड कॉम्बिनेशंस रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम पार्ट्स, ठीक है जी। इसने कहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनका रिजल्ट ये होता है कि वो पार्ट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो घूम जाते हैं, हम मिस कर देते हैं वो इंफॉर्मेशन या पार्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अलेक्जेंडर बेन, 1818 से 1903 है इसका टाइम पीरियड। ही डेवलप्ड अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ लॉज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। कॉन्टिग्युइटी एंड सिमिलैरिटी वर द टू प्रिंसिपल्स बेन यूज टू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। लाजमियत कायम करने के लिए इसने दो प्रिंसिपल्स को, बेन ने दो प्रिंसिपल्स को ज़्यादा अहमियत दी, वो है कॉन्टिग्युइटी और सिमिलैरिटी। टू हिम द माइंड हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशंस, इसने कहा कि दिमाग के पास इतनी ताकत होती है कि वो न्यू कॉम्बिनेशंस बना सके और एग्रीगेट्स, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एनी दैट हैव बीन प्रेजेंटेड टू इट इन द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू हिम द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशंस डिपेंड पार्शियली अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेज विच फॉलोड देयर अकरेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं हरमन एबन घास पे, ठीक है जी। 1850 से 1905 है इनका टाइम पीरियड, ठीक। ही मेड द फर्स्ट थॉरो एम्पेरिकल स्टडी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी। ये हरमन एबन घास बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसको आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है, ठीक है। मेड द फर्स्ट थॉरो एम्पेरिकल स्टडी ऑफ एसोसिएशन, इसने पहली जो एम्पेरिकल स्टडी है वो एसोसिएशनिज्म में दी, और लर्निंग यानी, या फिर लर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं, एसोसिएशन और लर्निंग में। हिज मेजर इंटरेस्ट वॉज इन मेमरी, यानी इसका जो मेजर इंटरेस्ट था वो मेमरी था। ही डिवाइज्ड द नॉन सेंस सिलेबल, इसने एक नॉन सेंस सिलेबल जो है वो प्रैक्टिकल भी, अगर जिन्होंने पहले पढ़ी है साइकोलॉजी, तो नॉन सेंस सिलेबल का एक आता है एक्सपेरिमेंट, वो करते हैं हम, तो ये उसने हरमन एबन घास ने बनाया है, ठीक है। नॉन सेंस लेबल इन एन एफर्ट टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन के जो असरात हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। फॉर्म्ड प्रियर टू द बिगिनिंग ऑफ हिज स्टडी, इसने अपनी स्टडी से पहले जो है वो ये बनाया था नॉन सेंस लेबल।